अगर आप अपनी नाक पर आज तक ध्यान नहीं दिए हैं या उसके महत्व को नहीं समझते हैं तो ये वीडियो आपको बिल्कुल ही देखना चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको आपके नाक के ऐसे अद्भुत शक्ति के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में वैज्ञानिकों को भी पूरी तरीके से कोई जानकारी है ही नहीं। और यकीन मानिए, अभी रिसेंटली मुश्किल से 127 साल पहले ही ये बात वेस्टर्न वैज्ञानिक जाने हैं। और ये जो चीज़ आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे भारत के वैज्ञानिकों ने, या कहिए भारत के लोगों ने, बहुत साल पहले, हजारों साल पहले ही खोज लिया था। देखिए, बाहर से जब हम अपने नाक को देखते हैं तो हम पाते हैं हमारे नाक का ये जो बाहरी हिस्सा है ये कार्टिलेज से बना हुआ होता है, जिसका ऊपरी भाग बोनी होता है, जिसे नेजल बोन कहते हैं। और हमारे नाक के अंदर दो छेद होते हैं जो कि बीच में एक नेजल सेप्टम के जरिए विभाजित होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं नाक के अंदरूनी संरचना की, तो चूंकि नाक के अंदर बहुत सारी बोन होती हैं जो कि नाक के अंदरूनी संरचना को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देती हैं, इसीलिए यही बोन्स नाक के अंदर एक बहुत ही अद्भुत शक्ति को भी जन्म देती हैं, जिसके बारे में वैज्ञानिकों को अभी तक कुछ खास पता नहीं है। पर वो ये बात जान गए हैं कि एक ऐसा सिस्टम है हमारे नाक में जो कि बहुत ही अद्भुत है। लेकिन भारत के लोगों ने इसके बारे में बहुत कुछ बताया है। देखिए, जब हम अपने नाक के अंदरूनी संरचना को देखेंगे, जिसे नेजल कैविटी कहते हैं, तब हम पाएंगे हमारे नाक के अंदरूनी दीवार पर तीन उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिसे नेजल कॉन्का या नेजल टर्बिनेट कहते हैं। ये देखिए, ये जो तीन उभरी हुई संरचनाएं हैं, असल में यही बोनी यानी हड्डियों से बनी संरचनाएं होती हैं, जिसके ऊपर कुछ इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। वैसे ही इरेक्टाइल टिश्यू जैसे मर्दों के पीनिस में होते हैं, जो ब्लड के फिल हो जाने पर इरेक्ट हो जाते हैं, और जैसे औरतों के क्लिटोरिस में टिश्यू होते हैं, ठीक वैसे ही। देखिए, होता यह है कि हर 4 से 4.5 घंटे के अंतराल पर हमारे एक नॉस्ट्रिल की जो टर्बिनेट्स होती हैं, यानी ये जो नेजल कॉन्का होते हैं जिनके ऊपर ये इरेक्टाइल टिश्यू होती हैं, उसमें ब्लड भर जाता है, और ये जो हमारा एक नॉस्ट्रिल होता है वो लगभग 80% ब्लॉक हो जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो इस नॉस्ट्रिल से केवल 20% एयर ही अंदर की ओर जाती है, और ये जो दूसरा नाक होता है, यानी ये जो दूसरा नॉस्ट्रिल होता है, वो पूरी तरीके से खुला रहता है, यानी उसके नेजल कॉन्का में ब्लड नहीं भरा रहता है, जिसके वजह से दूसरा नाक का छेद खुला रहता है, और इसमें से लगभग 80% एयर हमारे नाक से होकर फेफड़ों में जाती है। और ऐसा हर 4 से 4.5 घंटे में होता है कि एक समय में एक नाक खुली रहती है और दूसरी नाक लगभग 80% ब्लॉक हो जाती है। देखिए, इसी तरीके से हमारे नाक के एक छेद का खुल जाना और एक छेद का बंद हो जाना पार्शियली, मतलब एक छेद से कम एयर का जाना, इसे हमारे नाक का नेजल साइकिल कहते हैं। और इसका काम क्या होता है ये अभी तक वैज्ञानिकों को पता नहीं है, और ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रेगुलेट होता है। देखिए, इतना बताकर मैं आपको ये बता चुका हूँ कि हमारे नाक के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म है जो इतने सालों से मनुष्यों के साथ है, और बहुत सारे मनुष्यों ने इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया है। पर आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस चीज के बारे में भारतीयों ने बहुत साल पहले ही जान लिया था, हजारों साल पहले। आपने भारतीय दर्शनों में या भारतीय मिथ में ये सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के बारे में तो सुना ही होगा। देखिए, ये जो चंद्र नाड़ी होती है ये हमारे बाएं नाक के एक्टिव होने पर चालू हो जाती है, और सूर्य नाड़ी ये जो हमारे नाक के दाई नॉस्ट्रिल होती है उसके एक्टिव होने पर ये सक्रिय हो जाती है, ऐसा भारतीय शास्त्रों में लिखा हुआ है। मतलब बाई नाक चंद्र नाड़ी और दाई नाक सूर्य नाड़ी को रिप्रेजेंट करती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आज से 127 साल पहले 1895 में एक जर्मन साइंटिस्ट ने नेजल साइकिल के बारे में पता लगाया था। सोचिए, भारत के लोगों ने बहुत साल पहले ही क्या क्या जान लिया था। अनुलोम विलोम ऐसा ही एक प्राणायाम है जो कि नाक के इस अद्भुत क्रिया का उपयोग करके हमारे नर्वस सिस्टम पर एक सकारात्मक प्रभाव डालता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि हमारा नेजल साइकिल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रेगुलेट होता है, तो जब हम अनुलोम विलोम करते हैं ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर इनडायरेक्टली ही सही पर प्रभाव जरूर डालता है। शायद इसीलिए प्रकृति ने हम मनुष्यों को हमारे नाक में दो नॉस्ट्रल्स दिए हैं। खैर, अभी ये बात पूरी तरीके से प्रूव तो नहीं हुई है, पर ये बात जरूर है कि इस तरीके से नेजल साइकिल का होना जरूर ही जरूर हमारे नर्वस सिस्टम पर कोई ना कोई प्रभाव जरूर डालता है।
क्योंकि ये चीज़ नर्वस सिस्टम से ही रेगुलेट होती है। अभी तक वैज्ञानिकों ने ये क्लियरली तो नहीं बताया है कि हम मनुष्यों के पास नाक में ये दो छेद होते क्यों हैं, पर एक अनुमान ये लगाया गया है कि जिस तरीके से हमारे पास दो आंखें और दो कान होते हैं हमारे आंखों के विजन के प्रिसीजन के लिए और कानों में आने वाले साउंड के प्रिसीजन के लिए, ताकि हम साउंड वेव को ढंग से सुन सकें, ठीक उसी तरह हमारे नाक में भी दो छेद होते हैं जिसमें से जिस नाक से कम ऑक्सीजन जा रही है, जहां से लो रेट से एयर अंदर की ओर जा रहा है, उसमें सुगंध के मॉलिक्यूल्स या ओडोरेंट्स वहां से आसानी से जाकर रिसेप्टर से बाइंड हो सके और हम आसानी से किसी चीज को सूंघ सकते हैं। खैर ये एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसके बारे में भारतीयों का मत तो पहले से ही सबके सामने है, पर पश्चिम के लोग अभी इसके बारे में रिसेंटली ही जाने हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है? क्या आप इस वीडियो से कुछ नया जान सके हैं? ये बात मुझे नीचे कॉमेंट करके आप जरूर बताना।